आपको केसर पेड़ा बनाना बताती हूँ कैसे बनाए जाते हैं। ये पेड़े खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इनको किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं या आपका फास्ट है उसमें भी आप बना के खा सकते हैं। जैसे अब जन्माष्टमी आ रही है, आप उसमें इन पेड़ों को बना के खा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके लिए मुझे किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये 250 ग्राम मावा लिया है जिसे खोआ भी बोलते हैं। मैंने ये मार्केट का लिया है, आप चाहे घर पे भी बना सकते हैं। आधा कप पाउडर शुगर, इसकी जगह आप बूढ़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टेबल स्पून दूध, उसमें मैंने 10 से 12 केसर के धागे डाल दिए। थोड़े से पिस्ते, इसकी जगह आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से छोटी इलायची जिसे मैंने पीस लिया है। अब मैं आपको बनाना बताती हूँ कैसे बनाते हैं। मैंने गैस पे पैन रख दिया है, अब मैं इसमें मावा डाल देती हूँ। मावा को मैंने क्रम्बल इसलिए किया था जिससे कि मुझे भूनने में आसानी रहेगी। और इसको लगातार चलाते हुए स्लो मीडियम गैस पे मैं इसको भूनूंगी। इसको लगातार चलाते हुए ही भूने जिससे कि ये मावा नीचे तली में नहीं लगेगा। अब ये मावा भुनना शुरू हो गया है, अब इसमें से घी भी निकलना शुरू हो गया है। मैं इस मावा को ज्यादा नहीं भूनूंगी, बहुत हल्का ही भूनूंगी जब तक ये तली न छोड़ने लगे। बस 2-3 मिनट करीब इसको लगातार चलाते हुए भूनूंगी। अब ये मावा हल्का भुनना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें केसर वाला दूध डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डालें। आप बिना केसर के भी ये पेड़े बना सकते हैं। देखिए केसर के पेड़े खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अब ये मावा भुन गया है, 3 मिनट करीब हो गए हैं। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। मैंने मावा को इस बाउल में निकाल दिया था, अब मावा हल्का सा गर्म है। अब मैं इसमें पाउडर शुगर डाल देती हूँ। इसे थोड़ा ठंडे में ही डालें जिससे कि ये पाउडर शुगर मेल्ट नहीं होगी। अब मैं इसमें इलायची डाल देती हूँ और सभी चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अगर हम मावा में गरम में पाउडर शुगर डाल देंगे तो मेल्ट होने लग जाती है, इसीलिए ठंडा होने के बाद ही आप इसमें पाउडर शुगर को मिक्स करें। मैंने पाउडर शुगर को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ जिससे कि ये बैटर हाथ में चिपकेगा नहीं। और इसमें से मैं थोड़ा सा बैटर लूंगी। बैटर आप अपने हिसाब से ले लें कि आपको पेड़े कितने बड़े छोटे बनाने हैं। और इसको हाथ से इस तरीके से चिकने करते हुए पेड़े बनाने। अब मैं इसको हाथ से बीच में से दबा देती हूँ। देखिए पेड़े बन गए। पेड़ा बनाने कितने आसान है। अब मैं इसको इस प्लेट पर रख देती हूँ। आप इसके बीच में कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। मैं इसमें पिस्ते लगाऊंगी। अब मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूँ। मैं इस तरीके से सभी पेड़े बना लूंगी। देखिए सभी पेड़े बनके तैयार हो गए हैं। ये कितनी जल्दी ये पेड़े बनके तैयार हो जाते हैं। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इन पेड़ों को जरूर बनाइएगा, फिर मुझे बताइए ये आपको कैसे लगे। इन पेड़ों को 3 से 4 दिन फ्रिज में रख करके आप खा सकते हैं। अगर ये पेड़े आपको पसंद आते हैं तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए नमस्कार।